What's up guys, this is Varun Manal for आज का व्लॉग थोड़ा सा वैसा वाला होने वाला है। खासियत ये है कि आज के दिन उस दिन के बाद आया जिस दिन ये आई थी, तो आज हमारे पास दो दो ऑप्शन है, या तो हम R1 लेके जा सकते हैं, पैनिक एलए V4S, लेट्स टेक द पैनिक एलए V4S, and if you have not noticed the Denny's D-Torque 3 shoes which we have recently bought. तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि हमने डुकाटी V4S क्यों ली R1 होने के बावजूद। तो गाइस ऐसा हुआ था कि आई वॉज प्लानिंग टू गेट अ कावासाकी निंजा H2, बट मुझे कोई निंजा H2 इंडिया में कोई क्लीन बाइक नहीं मिल रही थी। कावासाकी निंजा H2, जिसकी वजह से मैंने ये ऑल्टरनेट लिया कि रैदर देन गेटिंग अ कावासाकी निंजा H2 आई रैदर गेट अ डुकाटी V4S, बिकॉज पावर के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में इसका मुकाबला नहीं है। एंड दिस इज़ अ मशीन विच यू कैन टेक ऑन ट्रैक ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ मशीन विच यू कैन यूज़ ऑन स्ट्रीट्स ऑल्सो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन ऑन डुकाटी V4S इज बियॉन्ड वर्ड्स, लाइक इट इज़ टू गुड। तो फिर मैंने दो तीन जगह पता किया डुकाटी V4S का क्या है, क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं है, कैसे कैसे इसकी सेटिंग्स है, मोड्स है, बहुत सारी इसकी वीडियोस देखी V4S को लेकर, एंड देन मैंने फाइनली डिसाइड किया लेट्स गो फॉर डुकाटी V4S बिकॉज दैट आई कैन यूज़ फॉर माई ट्रैक ऑल्सो, एंड सिंस आई एम प्लानिंग टू गो ऑन ट्रैक वेरी सून एंड यू गाइज विल सी द वीडियो ऑल्सो। तो मेरा ये मेन मोटिव था। अब R1 का क्या होगा, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि R1 का क्या होगा। तो गाइज मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप घर में आपको दूसरा बेबी होता है, मतलब पहले बच्चा बड़ा होता है फिर जो दूसरा बच्चा होता है, तो पहले बच्चे को घर से निकाल देते हैं? नहीं ना, रहेगी R1, कहीं नहीं जा रही, she'll stay till I die, दोनों रहेंगी। घर वालों को बोला भेज देंगे, बट मेरे घर वाले वैसे भी तू समझा। हाँ नहीं तू समझा नहीं। एक बार देखो यार क्या लग रही है। सो गाइस जब मैंने फाइनल डिसाइड किया कि डुकाटी V4S लेनी है, तो फिर मैंने डुकाटी V4S ले ली एंड सोचना नहीं है, ऐसी चीज़ें कर लेनी है, सोचना है ही नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड जिसने इसका डिलीवरी ब्लॉग नहीं देखा, यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा, जाके ब्लॉग देखो। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे, बहुत मेहनत करी है भाई लोगों ने उस पर। एंड इसके बगल में खड़ी यामा R1000 विच इज़ अ 2014 मॉडल विच आई गॉट इन 2015, मतलब 14 मॉडल है 15 में लिया, या 19 मॉडल है 22 में लिया, बट इसकी कॉस्ट उससे अप्रॉक्सीमेटली 50% ज़्यादा है, बिकॉज ये बहुत ही ब्रूटल ट्रैक मशीन है। थोड़ी सी कोल्ड स्टार्ट करते हैं। Stay strong.